अच्छी बैकग्राउंड नहीं है क्या? आप भी जब फ़ोटो खींचते हैं तो आपके फ़ोन में अच्छा बैकग्राउंड नहीं आता है? कई बार ऐसा होता है कि हम फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो तो अच्छी आती है लेकिन उसकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं होती है, इस वजह से फ़ोटो का सारा लुक ख़राब हो जाता है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज हम आपको ये बताएंगे कि आप फ्री में किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं ये बताएंगे ओनली 5 सेकेंड के अंदर। तो आपके समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए आपको हम बताते हैं कि कैसे आप फ़ोटो के बैकग्राउंड को 5 सेकेंड के अंदर फ्री में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसके बाद उसमें आपको टाइप करनी है remove bg, जैसा कि मैंने टाइप किया और ऊपर में ही यहाँ पे आ रहा है, इसको आप क्लिक कर देंगे और आपके पास जो फर्स्ट पेज खुलेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद क्या करनी है कि आप जिस फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं या जिस फ़ोटो का बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं उस फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो सेम आप यहाँ पे अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जिस भी फ़ोटो का आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे डन करना है। जैसा कि मैंने बताया कि 5 सेकंड के अंदर फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। तो देखिए फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज हो गया, अब आप इसे आसानी से इसको प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर, डाउनलोड कर लेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कैसे करते हैं, तो ये तो हुआ कि बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करते हैं। अब प्रोसेस जो आएगी उसमें हम बताएंगे कि आप फ़ोटो के बैकग्राउंड को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की सहायता लेनी पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल वेब, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जिस बैकग्राउंड को आप चूज करना चाहते हैं उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको इस सेक्शन में आनी होगी। जैसा कि मान चलिए हम ताजमहल वाला बैकग्राउंड को लेते हैं, अब इसको हम ऐसे रहने देते हैं। अब जिस फ़ोटो को यहाँ पे लगाना है उस फ़ोटो के लिए इस इम्पोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और जो फ़ोटो मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था उस फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। या देखिए आ गया, बड़ी आसानी से आप इसको किधर भी लेके जा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ऐसा आप कर सकते हैं, इसको किधर भी कर सकते हैं। और ये फ़ोटो नहीं चाहिए तो यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, फिर दूसरा फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये फ़ोटो मैंने डाउनलोड की है, इसको भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, फ़ोटो को थोड़ा छोटा कर देंगे तो लुक ज़्यादा आएगी जी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अब आप इस फ़ोटो को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये चीज़ आपके फाइल में चला जाएगा, अब इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपका फाइल है वो यहाँ पे आएगा, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। देखिए कितना प्रेटी और कितना अच्छा लग रहा है, फ्री में और चंद सेकंडों में आपका काम कंप्लीट हो जाता है, तो है ना मज़ेदार की बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी दोस्त के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त को भी इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो चलते हैं, किसी और दिन मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।